सिनेमा तो लिमिटलेस चीज़ है सीखने के तौर पे भी, तो हमें नहीं कह सकते कि हम मास्टर हैं, लेकिन जितना कुछ आता है और जितना कुछ हमने सीखा है उसको यदि हम दूसरों तक पहुंचाते हैं और वो उसका ज़रा भी लाभ उठाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सुकून का और संतोष का विषय है। और भी दूसरे जगह भी सिनेमा मेकिंग पे, फिल्म मेकिंग पे वर्कशॉप लेता हूँ। यहाँ जो अलग दिखा वो ये कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट एक लर्नर की तरह बैठा हुआ था, और इवन ओपन एंट्री के तौर पे बाहर से भी आपके दूसरे जगहों से भी जो सिनेमा सीखने की चाहत रखते हैं बियॉन्ड एनी एज लिमिट वो भी आए, और वो लोग भी उसी उत्सुकता और गंभीरता से उसको सुन रहे थे, सीख रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे और जानने को उत्सुक थे। तो ये अपने आप में अच्छा था और ये हमारे लिए बढ़िया एक्सपीरियंस था। बड़ा ही खूबसूरत कैंपस है और जैसी जुबान मीठी है वैसा खूबसूरत आपका कैंपस है, और खूबसूरत को खूबसूरती उसकी कायम रहे इसकी जो कोशिश है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो सालों से बनी हुई है खूबसूरत और वो एज इट इज है, और मुझे जिस तरह की मेंटेनेंस यहाँ पर दिखी कैंपस की, बाकी साफ़ सफाई, हॉर्टिकल्चर, चीज़ों के रिप्लेसमेंट, तो वो बहुत ही मतलब कि एक दिखती है कि इसके प्रति आप लोगों की संजीदगी कितनी है मैनेजमेंट की या जो लोग भी इसके टेक केयर करते हैं उनकी, खासकर VC साहब की और आपके डिपार्टमेंट के हेड साहब की, तो तारीफ करने योग्य है। इतना वेल मैनेज्ड और वेल इक्विप ये प्रोडक्शन यूनिट आपका हमने देखा, यहाँ तो पूरा का पूरा मतलब कि आप लोगों ने इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर रख रखा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आप लोग जो प्रोडक्शन करते होंगे उसका रिफ्लेक्शन उसमें दिखता होगा, हम देखेंगे आपका प्रोडक्शन।